चमोली के पास बद्रीनाथ रोड पर भीषण सड़क हादसा। पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को भेजा अस्पताल। हादसे में दो की मौत। नैनीताल में मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी। जिलाधिकारी ने जिले के सभी स्कूल बंद रखने के दिए निर्देश। पर्यटकों से पहाड़ों पर आवागमन न करने का किया अनुरोध। लक्सर में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता लगी हाथ। चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले पांच शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दीक्षित तिवारी के नाम से जाना जाएगा उधम सिंह नगर, जिले का पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा का, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के प्रयास से ही मिला था औद्योगिक पैकेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। चमोली के पास बद्रीनाथ सड़क पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की तरफ से घायलों को रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई है, वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटना में दो लोगों की जान चली गई है। ग्रामीणों और पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू में कई लोगों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है। नैनीताल में मौसम वैज्ञानिक की भविष्यवाणी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए आम जनमानस के साथ ही पर्यटकों से अनुरोध किया है कि 17 और 18 अक्टूबर को भारी आपदा और भूस्खलन होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते सभी लोग बेवजह इधर उधर की सैर ना करें। आप देख सकते हैं तस्वीरें नैनीताल की, जहां पर आम जनमानस से लगातार अपील की जा रही है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले। जो सैलानी वहां पर पहुंचे वो बेवजह ना घूमे, क्योंकि आने वाले समय में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो सकता है, पहाड़ दरक सकते हैं, ऐसे में बड़े हादसे भी हो सकते हैं, जिस वजह से उन्हें चेताया जा रहा है। आज जिला प्रशासन द्वारा आज मौखिक आदेश अनुसार 17 व 18 को समस्त क्या कहते हैं जिले में भारी आपदा और भूस्खलन होने की संभावना है, इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 17 व 18 को क्या कहते हैं यात्रा कम करें, जिससे कि जान माल की हानि ना हो। पौड़ी के विकासखंड बोरीखाल स्थित साबली पंचपुरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जयानंद भारती के 141वीं जयंती पर आयोजित होने वाले मेले में स्थानीय विधायक, प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करने पहुंचे। सतपाल महाराज ने साबली पंचपुरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड रत्न जयानंद भारती की 141वीं जयंती पर हर साल लगने वाले मेले का उद्घाटन करते हुए एक ओर जहां इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में होने वाली विकास कार्यों के विषय में भी जनता को विस्तार से जानकारी दी है। पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर जयानंद भारती की जयंती राजकीय मेला घोषित कर दी गई है। 141वीं जयंती थी, खास मौके पर पंचपुरी हमारे लिए तीर्थ के समान है, ऐसा सतपाल महाराज कहते हुए नजर आए। जनता को भी उन्होंने संबोधित किया। नैनीताल में भी मौसम विभाग की भारी से भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने 18 अक्टूबर को जिले के सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने पर्यटकों से पहाड़ों की ओर ना जाने और आने वाले दो दिन यथासंभव जहां हो सके वहां ना जाए। नैनीताल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है वो घरों पे ही रहें।
हरिद्वार में हिंदू रक्षा सेना के तत्वाधान में श्यापुरी गाजी वाली स्थित बालाजी धाम में हिंदू एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा है कि अब समय आ गया है कि सभी हिंदू संगठनों को इकट्ठा होकर अपने हितों के लिए आवाज उठानी होगी। एक बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को विदेशी और इस्लामिक ताकतों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हरिद्वार में हिंदू एकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि हिंदू संगठनों के लिए अब आवाज उठानी होगी। अगर कुछ गलत हिंदुओं के साथ होता है तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि एक बड़ी साजिश के तहत हिंदुओं को विदेशी और इस्लामिक ताकतों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा इस महासम्मेलन में कहा जा रहा था। अभी आपको पता है कि दिल्ली बॉर्डर पर एक हिंदू को मार करके मुसलमान ने और उल्टा लटका दिया, कितना बीभत्स कांड है। अभी आपको पश्चिम बंगाल का पता ही है, पश्चिम बंगाल में बुरा हाल है। आप वहाँ पर देखिए, आए दिन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और खुलेआम मुसलमान गुंडागर्दी कर रहा है, अर्थात एक तरह जिहाद किया हुआ है। जिहाद माने हर काफिर को हत्या करने का षड्यंत्र जो है उसमें लगा हुआ है। ऐसे में हिंदू की सुरक्षा हो, हिंदू का संरक्षण हो, संवर्धन हो और सरकार भी हिंदुओं की चिंता करे। लक्सर के कोतवाली थाना पथरी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने लंबे समय से चोरी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 शातिर अपराधियों को लूट और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं अभी इन आरोपियों में से एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो चोरी और लूट की घटनाओं को लगातार इस इलाके में अंजाम दे रहे थे। इनके पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। काफी दिनों से लक्सर पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। इनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। 5 शातिर बदमाश ये बताए जा रहे हैं, जो एक के बाद एक कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में पथरी और लक्सर क्षेत्र में काफ़ी चोरी की घटनाएं हुई थी और उसके अतिरिक्त कुछ लूट की घटनाएं भी हुई थी जो पुलिस ने दर्ज की हैं। तो इन केसेस को वर्कआउट करने के लिए काफ़ी समय से थाना लक्सर, थाना पथरी और एसओजी हमारी जो देहात की है, तीनों लगे हुए थे। इसी क्रम में एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि एक गैंग के 5 लोग पकड़े गए हैं। ये लोग दिन में मोटरसाइकिल से गाँव की रैकी करते थे, जो दूर दराज के मकान होते हैं या जो मकान अनअटेंडेड होते हैं, उन मकानों के दिन में रैकी करके और रात में वहाँ पर ही चोरी की नियत से घुसते थे और सामान चोरी करके ले जाते थे। अगर इस चोरी के दौरान कोई घर का सदस्य उठ गया या दिन में इनको लगा हो कि घर में कोई नहीं है, रात में पता चला कि घर में कोई आदमी रह रहा है, तो उसको ये बंधक भी बना लेते थे, यानी वो लूट की घटना फिर वहाँ पर हो जाती थी। तो इस गैंग के 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक कबाड़ी भी है, जो कबाड़ी का काम करता है और उसको ही अपना सारा सामान बेचते थे, जो उन सामानों को अलग अलग करके फिर आगे और कस्टमर्स को बेच दिया करता था। मौसम विभाग की तरफ से जारी 2 दिन की भारी बारिश की चेतावनी के ध्यान में रखते हुए ऋषिकेश पुलिस ने शहर में ठहरे यात्रियों, पर्यटकों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सतर्क कर दिया है। पुलिस ने नदी किनारे, घाटों और पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाने के लोगों से अपील की है। मौसम विभाग की तरफ से आज भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है, जिससे कि गंगा और कई नदियों का जलस्तर बढ़ जाने और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को लगातार चेताया जा रहा है कि वो नदियों से दूर रहें, पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए ना निकलें। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी लोगों को यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहाड़ों में 2 दिन में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसको लेकर लगातार अलर्टनेस देखी जा सकती है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। बाजारों में भी जाकर जो भी यात्री हैं, जो सैलानी हैं, जो भ्रमण करने के लिए निकल रहे हैं, उनको भी चेताया जा रहा है कि वो नदियों से, पहाड़ों से दूर रहें। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की चेतावनी का असर बद्रीनाथ धाम में होने लगा है।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते यहां ऊपरी इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। कई इलाकों में भारी बारिश हो भी रही है। वहीं देवनगरी का तापमान नीचे आ गया है। मौसम के इस बदले मिजाज से कड़ाके की ठंड के चलते लोग अंगीठी और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अलर्ट को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिले में संचालित सभी शासकीय गैर शासकीय निजी विद्यालयों और सभी महाविद्यालयों में आज अवकाश घोषित किया हुआ है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा दी गई एडवाइजरी के क्रम में हैवी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। तो उसको देखते हुए जो हमारा यात्रा मार्ग है उनमें हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि आगामी दो दिनों के लिए वे अपनी यात्रा को टाल दें, और जो लोग बद्रीनाथ पहुँच गए या मांडुकेश्वर पहुँच गए हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वह जोशीमठ या किसी अन्य स्थान पर रुकने का कष्ट करें। साथ ही साथ कल मंडे के लिए हमने स्कूल्स को बंद करने का आदेश निर्गत कर दिया गया है। सभी से मेरी अपील है, अनुरोध है कि जहाँ पर हैं वहीं बने रहें और आगामी एक से दो दिन के लिए अपनी यात्रा को टालने का कष्ट करें। ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र अब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण तिवारी के नाम से जाना जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक क्षेत्र का नामकरण स्वर्गीय तिवारी के नाम करने की घोषणा कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया, तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया था। उस समय नारायण दत्त तिवारी ही मुख्यमंत्री थे। सीएम ने कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पंडित नारायण दत्त तिवारी के राज्य के प्रति योगदान को सम्मानित करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। उत्तराखंड हॉकी संघ की तरफ से हरिद्वार के गांव गढ़मीरपुर की दिव्या बर्मन सहित 7 हॉकी खिलाड़ियों का नेशनल चैंपियनशिप खेल में चयन हो गया है। दिव्या बर्मन सहित सभी चयनित हॉकी खिलाड़ियों के घर खुशी का माहौल है। हॉकी खिलाड़ी आने वाले 20 अक्टूबर को झांसी में होने वाले हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। जिन हॉकी खिलाड़ियों को नेशनल चैंपियनशिप में खेलने के लिए चयनित किया गया उसमें 3 रोशनाबाद, 4 हॉकी छात्रावास रोशनाबाद की लड़कियाँ शामिल हैं। तो हरिद्वार में उत्तराखंड से 7 हॉकी खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो नेशनल लेवल पर हॉकी खेलती हुई नजर आएंगे। खिलाड़ियों के घर में खुशी का माहौल देखते ही बन रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शहीद हुए 4 किसानों और एक पत्रकार की अस्थियां मंगलौर गुड़ मंडी स्थित शहीद स्थल पर रखी गई और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 20 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर से खुली जीप में जिले भर में अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद 23 अक्टूबर को हरिद्वार के VIP घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा शनिवार को लखीमपुर खीरी से शहीद किसानों और पत्रकार की अस्थियां लेकर नारसन पहुंचे थे, जहां उन्होंने विभिन्न किसान संगठनों के साथ बैठक की थी। इसमें क्षेत्र से भाकियू टिकैत के मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान बाजवा ने विभिन्न जिलों के किसानों को अस्थियां दी थी, जिसमें संजय चौधरी ने अस्थियां लाकर मंगलौर गुड़ मंडी स्थित शहीद स्थल पर रख दी हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों की जान चली गई थी, 1 पत्रकार की जान चली गई थी, जिसको लेकर अब उनकी अस्थियां कलश यात्रा के तौर पर शहर शहर तक ले जाई जाएगी। आपको बता दें कि ये अस्थियां मंगलौर गुड़ मंडी स्थित शहीद स्थल पर रख दी गई हैं और अब यहां से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 20 अक्टूबर को नारसन बॉर्डर से खुली जीप में जिले भर में अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद 23 अक्टूबर को हरिद्वार के VIP घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव के लिए बिच्छू की बिसात के बीच दलबल की चर्चा भी जोरों पर है। पहले BJP ने इस मामले में लीड ली थी और अब कांग्रेस ने यशपाल और उनके बेटे को अपने पाले में लाकर लीड का अंतर कम कर दिया।
इस बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने दावा किया कि जल्द ही बीजेपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। हालांकि उन्होंने इन विधायकों के नाम नहीं बताए, लेकिन इतना जरूर कहा है कि इनमें से 3 विधायक गढ़वाल मंडल से जबकि 3 कुमाऊं मंडल से हैं। गोविंद कुंजवाल ने कहा है कि बेरोजगारी महंगाई से परेशान जनता ने बीजेपी को आगामी चुनाव में सबक सिखाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में समय मध्यम और गरीब वर्ग के लोग रोजी रोटी के लिए परेशान रहे, जनता की नाराजगी से सहमे सत्ताधारी दल के विधायक चुनाव में जीत को लेकर आशंकित हैं। वहीं बीजेपी सरकार की कार्यशैली से नाराज 6 विधायक जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो प्रदेश में चुनावी हलचल जोरों पर है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा एक बार फिर से भारी होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 6 और विधायक कांग्रेस में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। आगरा में बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की पोल खोल दी है। बारिश की वजह से शहर की सड़कें तालाब बन गई हैं, वहीं गांव के घरों में भी पानी भर गया है। रविवार से आगरा में लगातार बारिश हो रही है, बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी लगातार चल रही हैं। आगरा की तस्वीरें जहां पर बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है, आप देख सकते हैं कि चारपहिया वाहन जो है किस तरह से पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। मधुबनी के खुटौना ब्लॉक में दूसरे चरण में हुए मतदान कई प्रत्याशियों ने धांधली का आरोप लगाया। इसी के साथ ही मधुबनी जिला पदाधिकारी अमित कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। प्रत्याशी का आरोप है कि पैसे लेकर वोट को मैनेज किया गया, जिसकी शिकायत चुनाव निर्वाचन आयोग घटना से भी की गई। प्रत्याशी का यह भी कहना है कि अगर निष्पक्ष मतगणना का प्रूफ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं इस मामले में खुटौना ब्लॉक के BDO का कहना है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। तो मधुबनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मतगणना में धांधली का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं बता देना चाहूंगा कि आपने कहा कि निर्वाचन पदाधिकारी, मेरा पदनाम निर्वाची पदाधिकारी पंचायत सह प्रखंड विकास पदाधिकारी खुटौना है। खुटौना प्रखंड अंतर्गत पंचायत निर्वाचन 2021 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे निर्वाची पदाधिकारी पंचायत के रूप में काम करने का सुअवसर प्रदान किया गया है। अभी जैसा मैंने बताया कि खुटौना प्रखंड के अंतर्गत मैं निर्वाची पदाधिकारी हूँ, तो आपने अभी प्रश्न किया कि EVM सामने नहीं खोला गया। काउंटिंग 10 तारीख को खुटौना प्रखंड अंतर्गत पंचायत निर्वाचन के तहत 8 अक्टूबर 2021 को निर्वाचन यानी मतदान हुआ था, जिसकी मतगणना राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो समय सारणी बनी हुई थी उसके तहत 10 अक्टूबर 2021 को जिला मुख्यालय मधुबनी के RK कॉलेज कैंपस में स्थित वाणिज्य भवन में खुटौना प्रखंड के लिए किया गया हुआ था। हमारे कैंडिडेट रूबी कुमारी मुखिया का चुनाव लड़ी थी, हम लोग एकदम पूरे पंचायत का लोग तन मन धन से उसको वोट दिए, लेकिन हम लोग के सामने EVM नहीं खोल के परोच में हम लोग को काउंटिंग हॉल में जाने तक नहीं दिया गया और बक्सा खोल करके हम लोग को एक सादा कागज पर लिख कर दिखाया कि आप चुनाव हार गए। एक माफिया के तरह, गुंडा के तरह यहाँ पर पुलिस हम लोग के साथ लाठी चार्ज किया, मारपीट किया। कोई जाते थे कि कोई पदाधिकारी से बात करें कि हम अपनी बात कम से कम रख सकें, लेकिन हम लोग को बात सुनने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं था। बिल्कुल लाठी से हमको भी मारा था, हमारे जितना वर्कर है कम से कम 20 लड़का को मार के खरियान कर दिया। किसी भी पदाधिकारी से बात तक नहीं करने दिया। काउंटिंग में हमको दिखाया गया जो 4606 वोट है पर हुआ है, या 104 वोट कहाँ से आया, इतनी बड़ी धांधली। या प्रजातंत्र नहीं राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। रोहतास में महिलाओं पर पुलिस के अत्याचार का मामला लगातार सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। ताजा मामला अमझौर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को अमझौर थाना क्षेत्र के भदसा में एक आरोपी की खोजबीन के लिए पहुंची अमझौर थाना की पुलिस ने रंजीत यादव नाम के एक शख्स के घर में घुसकर उसकी बुजुर्ग माँ, बहन और पत्नी के साथ मारपीट की। इस दौरान अमझौर के थानाध्यक्ष अजय कुमार भी मौजूद थे। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
वीडियो वायरल होते ही रोहतास पुलिस की जब बेइज्जती होने लगी तो एसपी आशीष भारती ने मामले की जांच के लिए डेहरी के एएसपी नवजोत सिमी को भेजा, लेकिन जांच के बाद सिर्फ एक एएसआई पर लाइन हाजिर की कार्रवाई पर पूरे मामले पर नेपापोती कर दी गई है। छोटा बाबू दोनों, पहले तो बड़े बाबू मरले बन सबके लेडीज के, तब छोटा बाबू मरले ना के घर में डूब के, घर में घुसे तो महिला फोर्स थी ना, कोई ना रहे, वो दोनों अकेले रह जा। डीएसपी तो जांच में लिखी कि महिला फोर्स ना तो ना फोर्स कहां रहन, महिला महिला फोर्स नहीं थी ना, महिला फोर्स थी जब ना, कोई ना रहे ना, खाली उहे रहन जा। अच्छा महिला फोर्स नहीं ना ना, अलग की वीडियो बनाए लागल, वीडियो बनैला खातिर ओकर नाम देल पड़वे। अच्छा किन 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 को मार रहे थे, बड़ा बाबू छोटा बाबू? हमारा को मारले बड़ा वाले थाने में सब थे। डीएसपी तो कह रहे हैं कि महिला पर दो नहीं थी। नहीं महिला पुलिस नहीं थी इस वक्त रंजीत के घर में ले हैं, उस वक्त महिला पुलिस नहीं थी, पापा नहीं थी और महिला पुलिस नहीं थी। वही रोहतास की डेयरी में जमीन के झगड़े में दो लड़कियों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल लड़कियां आपस में चचेरी बहनें हैं। बताया जाता है कि पड़ोस के लोगों से ही पहले से जमीन के लिए विवाद चल रहा था, उसी विवाद में मारपीट की गई। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना जमीनी विवाद में दोनों झगड़ा चल रहा था, घर मकान के लिए जल रफड़ा चल रहा था, आज से नकली से चल रहा, और उसके बारे में इसीलिए उसका परिवार आया, झंझट किया, दोनों व्यक्ति घायल किया, मारपीट किया। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसानों का रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है, जिसके चलते खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। फिलहाल खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बुलंदशहर की तस्वीरें आप देखेंगे, रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें कि फिलहाल स्टेशन पर रेल गाड़ियों का आवागमन जारी है, लेकिन एहतियात के मद्देनजर यहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।